बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कपलिंग नेचर ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। कपलिंग नेचर मीन कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं वो उनका आपस में किस तरह कनेक्शन है, हाउ मैक्सवेल इक्वेशंस कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो स्टडी कर चुके हैं, उनके इंटीग्रल फॉर्म और उनकी डिफरेंशियल फॉर्म हम स्टडी कर चुके हैं। तो लेट्स रिवाइज व्हाट वर द मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में वो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या थी। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हमने गॉसियस लॉ कहा था, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रॉ के इक्वल था। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हमने गॉसियस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहा था, डेल डॉट बी इज इक्वल जीरो होता है। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी होती है। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हम मैक्सवेल एम्पेयर मैक्सवेल मॉडिफाइड इक्वेशन भी कहते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस पार्शियल डी बाई पार्शियल टी होती है। अब ये चार मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब देखना ये चाहते हैं कि इन मैक्सवेल इक्वेशंस में आपस में क्या कनेक्शंस हैं, ठीक, इनको हम कपल करना चाहते हैं, तो इनकी आपस में क्या क्या कनेक्शंस हैं, किस तरह ये आपस में इंटरलेट करती हैं, इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। तो हमारे पास है ये फर्स्ट मैक्सवेल कपल्ड इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट कपल्ड इक्वेशन, जिसमें हम इक्वेशन नंबर टू को और थ्री को आपस में जब वो रिलेट करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में हम जब इंटरलेट करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बोथ फील्ड्स प्रोड्यूस ईच अदर। तो ये एक कपलिंग नेचर है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। सो हमने क्या किया, हमने ली थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, ये डेल क्रॉस ई इज इक्वल माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, इसे हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन या इसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसे हम कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, सपोज ये हमारे पास इक्वेशन ए है, हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन ए या वन, जो मर्जी नाम दे दें इसका, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। अब आप क्या करें, इसके दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लें, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, लेफ्ट साइड पे भी मेरी लेफ्ट साइड के साथ ले लिया और इधर भी आपने डाइवर्जेंस ले लिया पार्शियल बी व पार्शियल टी के साथ। अब आप ये बात जानते होंगे शायद कि जो डेल डॉट डेल क्रॉस ई, ये जो डेल क्रॉस ई, इसको हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। और इसके साथ जब आप डेल के साथ डेल क्रॉस ई करोगे तो ये चीज जीरो की इक्वल हो जाती है, इट इज इक्वल टू जीरो। इट कैन आल्सो बी प्रूव्ड, अगर आप डेल क्रॉस ई आप इसको वैल्यूएट करो फिर डॉट ले लो डेल के साथ तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आई थिंक। सो डेल डॉट डेल क्रॉस ई जो होता है ये इक्वल टू जीरो होता है, जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे यू गेट जीरो इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय माइनस डेल डॉट पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। अब आप डेल को आप लिख सकते हो, पहले ही उसको दूसरी तरफ ले जाओ, लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस वाली रकम प्लस हो जाएगी ये तो। और आप लिख सकते हो ये डेल डॉट, दूसरी तरफ ले जाना लेफ्ट साइड पे, डेल डॉट पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, पार्शियल बी बाय पार्शियल टी है इक्वल टू जीरो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पार्शियल बाय पार्शियल टी पहले देख लें, पार्शियल बाय पार्शियल टी और डेल और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये भी ठीक है, लिखा जा सकता है डेल डॉट डेल डॉट बी
ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस, और ये भी लिखा जा सकता है डेल डॉट बी इज इक्वल जीरो, इस तरह यहां भी लिखा गया डेल डॉट बी इज इक्वल जीरो। ये जो डेल डॉट बी इज इक्वल जीरो है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये फ्राड, ये गॉसियन लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, ये हमारी सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है। सो आप थर्ड से सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ जो है वो आप शिफ्ट हो चुके हैं। सो वी गेट सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। सो द पेयर डेल क्रॉस ई इज इक्वल माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी एंड डॉट डेल डॉट बी जो है इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट कपल्ड इक्वेशन। इन दोनों को आपस में आपने रिलेट कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है। नाउ वी हैव मैक्सवेल्स सेकेंड कपल्ड इक्वेशन, मैक्सवेल्स सेकेंड कपल्ड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 4 को आपस में हम जो है वो कपल करेंगे। तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का हमें पता है व्हाट इज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ भी कहते हैं। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इन टू जे प्लस पार्शियल डी बाई पार्शियल टी होता है। दिस इज फोर्थ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, ये है। और अब इसका भी हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लेते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहले लिया था। इसको भी आप कोई इक्वेशन का नाम दे सकते हो, सपोज ये बी इक्वेशन है, तो बी इक्वेशन की दोनों तरफ आप लोगों ने डाइवर्जेंस ले लिया इन द सेम सेंस एज यू डिड इन मैक्सवेल्स फर्स्ट कपल्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के दोनों तरफ लिया था डाइवर्जेंस, अब फोर्थ इक्वेशन के दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लेंगे। डेल डॉट डेल क्रॉस बी फॉरन समझ आएगी, ये जीरो हो जाएगी, इक्वल टू डेल डॉट म्यू नॉट इनटू जे प्लस पार्शियल डी बाय पार्शियल टी। अब ये चीज़ तो होगी जीरो, यस जीरो होगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब इसको अलग अलग आप अप्लाई कर दें डाइवर्जेंस को, म्यू नॉट डॉट म्यू नॉट डेल डॉट म्यू नॉट जे प्लस डेल डॉट म्यू नॉट पार्शियल डी बाई पार्शियल टी। अब आप ये करें कि जो है वो इसको इधर रखें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और म्यू नॉट जो है जब हम दोनों तरफ सेम आ जाएगा, मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस डेल डेल डॉट म्यू नॉट जे इज इक्वल टू डेल डेल डॉट म्यू नॉट पार्शियल डी बाय पार्शियल टी। अब जो दोनों तरफ म्यू नॉट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ म्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस डेल डॉट जे, माइनस डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल डॉट पार्शियल डी बाय पार्शियल टी, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इक्वेशन जो है इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमने पढ़ी हुई है। डेल डॉट जे इज इक्वल टू होता है माइनस पार्शियल रॉ बाय पार्शियल टी, पार्शियल रॉ बाय पार्शियल टी, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डॉट है, इसको हमने यूज किया। तो हमें पता चला कि डेल डॉट जो जे होता है ये माइनस पार्शियल रॉ बाय पार्शियल
टी के इक्वल होता है, या माइनस आप इधर ले जाओ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो इधर माइनस लग जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब माइनस डेल डॉट जे जो होगा वो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी के इक्वल होगा। तो लास्ट पे आपने पढ़ा है पार्शियल बाय पार्शियल टी डेल डॉट डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे था, तो जो डेल डॉट जे माइनस डेल डॉट जे है उसको आपने पार्शियल रो बाय पार्शियल टी पुट कर दिया, ये वाली चीज। ठीक, तो हमारे पास आ गया दोनों तरफ डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, डेल डॉट डी इज इक्वल रो, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, और ये आप जानते हैं ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। ठीक, तो ये फोर्थ से आपने जो फर्स्ट है वो इक्वेशन ड्राइव कर ली है, मीन आप इन दोनों को आपने कपल कर लिया है। सो द पेयर डेल क्रॉस बी इज इक्वल मी नॉट इन जे प्लस पार्शियल डी पार्शियल टी एंड डेल डॉट डी इज इक्वल रो, ये फोर और जो फर्स्ट इक्वेशन है इज कॉल्ड मैक्सवेल सेकेंड कपल्ड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड कपल्ड इक्वेशन। तो सेकेंड और थर्ड को आपस में हम मिलाते हैं तो वो कहते हैं फर्स्ट कपल्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, और वन और फोर को मिलाएंगे आपस में तो कहेंगे ये सेकेंड मैक्सवेल कपल्ड इक्वेशन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।